सेबी ने ब्राइट क्राउन ग्रुप के मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे और खासकर प्रमोटर्स पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे। अगर आप 2 साल पहले के टाइम पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ब्राइट क्राउन ग्रुप के साथ बहुत सारे इररेगुलेटरी एक्टिविटी हो रही थी, इसी के साथ साथ बहुत सारे मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज भी हो रही थी। और जब ये सारी चीजें सेबी के नजर में आई तब सेबी ने प्रमोटर्स पर और कंपनी के बिजनेस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। और अगर आप लोग कल के मार्केट में देखेंगे तो कल के मार्केट हाउस में ब्राइट क्राउन ग्रुप को लेकर सेबी की एक नई प्रपोजल आई थी, जहां पर सेबी ने कहा था कि ब्राइट क्राउन ग्रुप के प्रमोटर्स पर जो बैन लगा था वो अभी भी लिफ्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप लोग ब्राइट क्राउन ग्रुप के शेयर्स को देखेंगे तो इस न्यूज आने के बाद से ब्राइट क्राउन ग्रुप के शेयर्स में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है और अपने इन्वेस्टर्स को ब्राइट क्राउन ग्रुप नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। तो चलिए आज के स्टूडियो में जानते हैं ब्राइट क्राउन ग्रुप के बारे में हर एक चीज। अगर आप लोगों ने ब्राइट क्राउन ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या ब्राइट क्राउन ग्रुप के शेयर को पेनी शेयर समझकर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आज के वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ब्राइट क्राउन ग्रुप के करंट शेयर्स की प्राइस चल रही है 17.20 और अगर आप लोग इस कंपनी के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो ग्राफ है वो नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स जितने स्ट्रांग होने चाहिए थे उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और इस कंपनी के शेयर की वैल्यू भी लगातार गिरते ही जा रही है। एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर की प्राइस 5% से गिर चुकी है। विद इन अ मंथ इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरी है 16.50% से और पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 24% से गिर चुके हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर के प्राइस में पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है और 2 साल के पहले वाले 3 साल में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के शेयर प्राइस के ग्राफ में एक स्पाइक दिखाई देता है। कंपनी के फंडामेंटल्स एवरेज है और कंपनी के परफॉर्मेंस भी एवरेज है, लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी के शेयर्स करंटली थोड़े से ओवरवैल्यूड लगते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के शेयर को देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है, मतलब कि कंपनी के शेयर्स रेड फ्लैग की कैटेगरीज में नहीं है। और अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कुछ चीजें पता चलेगी, जैसे कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 18.38% के स्टेक है, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने 0.46% के स्टेक को प्लेस कर दिया है। म्यूचुअल फंड के पास 0.17% होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। FIIs के पास 10.53% का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जिसका परसेंटेज निकल कर आता है 70%। और सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 37% के आसपास के शेयर्स हैं ब्राइट क्राउन ग्रुप के। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि कंपनी के शेयर की प्राइस ग्रो कर सके और अपने प्रीवियस हाई के लेवल को टच कर सके। और 2 साल पहले इस कंपनी के ऑपरेशंस में बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज आई थी और ब्राइट क्राउन ग्रुप के प्रमोटर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को अपने कंपनी के पोर्टफोलियो में फ्रॉड इन्वेस्टमेंट्स दिखाने की कोशिश की थी और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे। तो ओवरऑल करंटली कंपनी के शेयर नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप लोगों को लगता है कि ये पेनी शेयर है और अगर 1-2 साल में इसकी वैल्यू डबल भी हो गई तो हमारे पैसे डबल हो जाएंगे, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है और कंपनी के बिजनेस पर सेबी ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। कंपनी के 20 आउट ऑफ 25 स्टाफ पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और बैन भी लगाया गया है। और सेबी के रिसेंट अनाउंसमेंट्स से ये पता चला है कि ब्राइट क्राउन ग्रुप के प्रमोटर्स के ऊपर जो बैन लगाया गया है सेबी इतने जल्दी इस बैन को लिफ्ट नहीं करने वाली है। और बाय द वे ब्राइट क्राउन ग्रुप के शेयर्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।